एक तो हम लोग थोड़े से कंजर्वेटिव है, इंडिया थोड़ा सा लोगों को देख के अपनी पॉलिसी बनाने वाला देश है, ठीक है। अमेरिका ने कुछ बोल दिया, यूक्रेन ने बना दिया, उसके बाद इंडिया उसने थोड़ा उठा उठा के हमारा रेगुलेशन बनता है। तो अभी नो मेजर कंट्री एक्सेप्ट जापान ने एक बड़ा सा स्टैंड लिया है। सब अभी रिसर्च ही करते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, बट क्या होता है कि कुछ देश होते हैं ना वो थोड़े प्रोग्रेसिव होते हैं, अमेरिका हो गया, तो करने दे रहा है आपको जो करना है करो, इफ दे फाइंड यू डूइंग समथिंग रॉन्ग तो आपको पकड़ेंगे, आपको जेल में डाल देंगे, आपसे फाइन ले लेंगे। इंडिया में ये जो इम्प्लीमेंटेशन है ना वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं होता, इंडिया की पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है और इंडिया में हमारे पास ना एक क्लियर रेगुलेटर भी नहीं है। कोई बोलेगा कि आरबीआई ठीक है, कोई बोलेगा कि आरबीआई को करना चाहिए, कोई बोलेगा कि सेबी को करना चाहिए, ठीक है, और तो दोनों को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी होगी एक्स्ट्रा। दूसरा ये कि अगर कल को सरकार ने ये न्यूज आ गई, आप समझो हेडलाइन आ गई कि भाई इंडिया में बिटकॉइन लेना सरकार ने बोल दिया कि ले सकते हैं, अभी मना नहीं है, इट्स नॉट इलीगल, आप अभी भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन सरकार ने नहीं बोला कि आप कर सकते, सरकार ने जैसे बोल दिया कि आप बिटकॉइन में ट्रेड कर सकते हो, उस दिन अगर बिटकॉइन की प्राइस ऊपर चली गई, लोगों ने पैसे डाल दिए, फिर बिटकॉइन की प्राइस गिर गई, तो लोग किसको गाली देंगे, बाहर कचरा हम करते हैं, फिर भी सरकार को गाली देते हैं कि सफाई नहीं है, तो इसके बारे में तो हम सरकार को ही गाली देंगे ना। तो ये चीज आई थिंक दे हैव टू थिंक फ्रॉम दिस मैक्रो पर्सपेक्टिव, सी ये चीजें हो सकती है, इसलिए बेटर है कि हम कुछ या तो ना बोले, और अगर ज्यादा बिटकॉइन अभी उछल के बाहर आ रहा है, लोग अगर बाहर आ रहे हैं तो फिर टाइम करते हैं, दैट इज हाउ ये शोज है, मेरा मेरा अंडरस्टैंडिंग है। जो इन्होंने बोला बिल्कुल सही है, उसके अलावा लेकिन एक और पर्सपेक्टिव है जो हमें समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपकी दुकान चल रही है, उस दुकान के आगे एक बहुत तगड़ा कॉम्पिटिटर आ गया है जो आपकी दुकान का वजूद ही खत्म कर रहा है, तो आप क्या करोगे, आप उसकी दुकान को उखाड़ने की कोशिश करोगे, इट इज एज सिंपल एज, ठीक है। अब सबको पता है क्रिप्टो करेंसी का जो सबसे बड़ा ये जो रेगुलेशन हुआ है वो क्या हुआ है असल में, कि इन्होंने बैंक्स को ही डिसेंट्रलाइज कर दिया, वो कह रहे हैं बैंक्स की जरूरत ही नहीं, ठीक है, वो कहते हैं गवर्नमेंट्स की जरूरत नहीं, ऑफ कोर्स वो दैट्स लाइक वेरी वेरी फार है, वो 50-100 साल लगेंगे जो गवर्नमेंट्स को भी डिसेंट्रलाइज होने में, बट एक आइडिया है जो लोगों के माइंड में डाल दिया कि यार ऐसे भी हो सकता है, ठीक है ना, सब कुछ डिसेंट्रलाइज हो सकता है, यानी कि पावर्स ऐसे हैं कि जो पावर्स हैं वो डिसेंट्रलाइज हो सकती है, इसका मतलब ये है उनको टेंशन है कि यार अगर हमने ये चीज़ कर दी, ठीक है, तो हम कहाँ जाएंगे,